इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये इस दीवाने की। मौत भी ना जिसे रोक पाए। मुझ पर आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया जो तुमने उठा दिया, और मुझे ऐसी वैसी लड़की मत
बाद मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। हाँ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। ओह तो मैंने जब तुम पर हाथ उठाया तो तुम्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन तुमने जब मुझ पर हाथ उठाया था तो तुम मुझे भी जानती नहीं हो, इसलिए मुझे छेड़ो मत वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और जब तुमने मुझ पर आज हाथ उठाया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? हाँ बोलो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा छोड़ो मुझे वरना तुम्हारी ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, और तुम इसे कैसा भी बिहेव कर सकते हो। कान खोल कर सुन लो, मैं तुमसे नहीं डरती भले ही तुम मेरी जान भी ले लो। तो तुम उसे नहीं डरती हो तो सबसे पहले तुम्हारे दिल में मेरे लिए डर ही बैठाना होगा। मैं और किसी से माफी नहीं मांगता। देखता हूँ कि तुम मुझसे कब तक माफी नहीं मांगती हो। तुम्हारा जोश कब तक रहता है? तब तक बंद ही रहो यहाँ पर, और हाँ अंधेरा भी कर रहा हूँ। अब इस अंधेरे वाले रूम में पूरी रात रहो, देखता हूँ कि तुम कब तक नहीं रोती हो। मैं तुम्हें रुलाया नहीं ना तो मेरा नाम भी जेके नहीं। उसने पहले मुझे थप्पड़ मारा था तो पहले वो मुझे सॉरी बोलेगा, उसके बाद ही मैं उसे सॉरी बोलूंगी। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, मैंने तो सॉफ्ट ड्रिंक पी थी ना, तो मैं ड्रम कैसे हो गई थी? जरूर उस सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ था, वो लड़का लेकर आया था, कहीं उसने तो कुछ नहीं मिलाया? और वो क्यों मिलाएगा, उससे मेरी क्या दुश्मनी? रहने दो पूरी रात उस रूम में, अगर एक रात रहेगी ना तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। उसके बाद वो मुझ पर हाथ उठाने से पहले ना 100 बार सोचेगी। कल रात से मैंने कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत ही ज्यादा वीकनेस फील हो रही है। घर पर होती थी तो अगर छोटी सी भूख लगती थी तो मॉम तुरंत ही बनाकर ले आती थी और यहाँ से खिलाती थी। और यहाँ देखो भूख लगी है मगर कोई खिलाने वाला नहीं है, इनफैक्ट खाना ही नहीं है, तो मैं खुद खा लेती। और वो जानवर है क्या, किसी लड़के को भूखा छोड़ के खुद पेट कैसे भर सकता है? लेकिन कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। भले ही मैं भूखी रह जाऊं, चाहे मैं बेहोश हो जाऊं, मगर फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी और उसे सॉरी कभी नहीं बोलूंगी। उसे क्या लगता है वो मेरे साथ कैसा भी बिहेव करेगा और मैं कुछ नहीं बोलूंगी। शायद वो मुझे अभी नहीं जान पाया, मैं अच्छों के साथ अच्छी और बुरी के साथ बुरी भी हूँ। लेकिन इस पेट का क्या करूँ, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या करूँ मैं? और इसने मेरा हाथ भी बांध दिया, वो भी दर्द होने लगा। अभी तो पूरी रात काटी है, अभी से दर्द होने लगा। मॉम आई मिस यू, आई मिस यू सो मच। मॉम बस करो, मेरा पेट भर गया, मेरा पेट दब जाएगा, इतना क्यों खिला रही हो? चुप, बिल्कुल चुप, देख तो खुद को आईने में कितनी ज्यादा पतली हो गई हो, लगता है कुछ भी नहीं खाती हो, चुपचाप और खाओ। लेकिन मॉम सच में मेरा पेट भर गया है। ओहो सारा प्यार अपनी बेटी को हमारे लिए कुछ भी नहीं। हाँ डैड, मॉम तो हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, देखो तो बस बेटी को खाना खिलाया जा रहा है, मुझे तो खिला ही नहीं रही, मैं इनका बेटा हूँ। फिर भी नहीं, तो मेरा बेटा नहीं है, तुझे तो मैं कूड़े से उठा कर लेकर आई थी, और तू हमारा मेंबर ही नहीं है। क्या सच में मॉम मैं आपका बेटा नहीं हूँ? गधा कहता ऐसे ही सवाल पूछता रहता है। अरे नहीं है वो, मॉम तो मजाक कर रही है, तू उनका ही बेटा है, तू भी ना। लेकिन ये तो बात सच है जिनू, तुम येनगो से ज्यादा जमीन से प्यार करती हो, है ना? और नहीं तो क्या, मैं अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, ये तो अभी मेरे पास है, अगर मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मैं इसके बिना कैसे रहूंगी, और ये तो पूरी जिंदगी मेरे पास पड़ा रहेगा। क्या तुम भी नहीं? तो और क्या करूँ, इस गधे के सवाल का जवाब यही था। और हाँ बेटी, तू हमेशा ध्यान रखना, तू कहीं भी जाए लेकिन अपना पूरा ख्याल रखना। यस मॉम, मैं किस भी कंडीशन में होंगी मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। I miss you mom, I miss you my family, मैं अपनी फैमिली को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। मैंने तो मम से प्रॉमिस किया था कि मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, मगर मैं कैसे रख पाऊंगी? ऐसे सोचते सोचते जिमिन वही बंधे बंधे सो जाती है। जिमिन मैम का कमरा, जाऊं के अंदर, लेकिन सर ने तो लॉक किया था, अगर मैंने खोल दिया और वो मेरा हाल क्या करेंगे? नहीं मैं चली जाऊंगी, इतना बोलकर ली वापस जाने लगती है। तभी उसे टे मिलती है। क्या वाली, तुम अंदर क्यों नहीं गई? अंदर सफाई नहीं करोगी क्या, या फिर जिमिन अभी तक सो रही है? नहीं मैम ये बात नहीं है, एक्चुअली जिमिन मैम वो क्या, मैं वो लगा रखा था, सब बोलो ना क्या हुआ जिमिन को? एक्चुअली मैम आप तो जानती है ना कि सर कल बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे, तो उन्होंने मैम को इस
रूम में लॉक कर दिया था और वो भी लाइट्स ऑफ करके। पूरी रात मैम ऐसे ही रही है, प्लीज मैम दरवाजा मत खोलना वरना सर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। क्या पूरी रात जिमिन ऐसे रूम में लॉक थी? ओह माय गॉड, और तुम साइड रहो, मैं कैसे डोर नहीं खोलूंगी, तो क्या मैं उसे मरने के लिए छोड़ दूं अंदर? नहीं मैम, मेरा मतलब ये नहीं है, पर प्लीज आप शुगर सर से बात कर लीजिए, और ना अगर आपने खोल दिया और सर बहुत ज्यादा नाराज हो गए तो मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरी फ्रेंड से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है, अगर वो गुस्सा करेगा तो करेगा, मैं सह लूंगी। वो बात नहीं है मैम, मेरी जॉब पर बनाएगी, आप तो गुस्सा सह लेंगे सर का, पर मैं तो नहीं सह पाऊंगी ना। एक्चुअली सर ने मुझे निगरानी के लिए रखा था कि कोई भी अंदर ना जा सके, और अगर आप चले गए तो आपको तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, पर मुझे जॉब से निकाल देंगे। मैम ट्राई टू अंडरस्टैंड मैम प्लीज। ओके फाइन, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात की, तो मुझे क्या बताना चाहती हो? मैं सुखा को लेकर आती हूँ, उसके बाद वो तो उसे कुछ नहीं कह पाएगा ना, और तुम्हारी नौकरी भी ली जाएगी। इतना बोलकर तेज सुगा के पास जाती है। सुगा मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है। क्या हुआ तेज, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपने कहा था ना कि जंकुक जिमिन के साथ कुछ भी नहीं करेगा, और देखो उसने जिमिन को एक रूम में लॉक कर दिया है और वो भी लाइट्स ऑफ करके। आपको पता नहीं शायद उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। बेचारी मेरी जिमिन पता नहीं कैसी होगी, आप कुछ करिए ना। देखिए उस रूम में सबको जाने से उसने मना भी किया हुआ है, आप भी कुछ कीजिए, अगर आप कुछ कहेंगे तो वो कुछ भी नहीं कहेगा। नहीं ऐसा नहीं है तेज, तुम भी जानती हो वो मेरी हर बात नहीं मानता है। ओके फाइन, मैं ट्राई करता हूँ, बिकॉज ये किसी लड़की की जान का सवाल है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। ओके फाइन, तो जल्दी चलिए। हाँ चलो।